आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और शुरू से आखिरी तक हमारा वीडियो जरूर देखना। तो आज हम बनाएंगे पालक का साग। तो इतनी सारी हम पालक ले ली हैं साग बनाने के लिए। तो पहले जो है इसको हम साग बनाने के लिए पहले इसको हम जो है काट लेते हैं। फिर इसको जो है पहले काट लेते हैं और फिर काटने के बाद जो है इसको हम साफ पानी में अच्छी तरह से धुल लेंगे और धुलने के बाद इसे जो है हम उबालने के लिए रख देंगे। और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आसानी से मिल सकें। तो पालक की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे पालक पूड़ी, पालक खस्ता और पालक पराठा, ये बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और पालक की दाल भी बनती है। तो हम आज बनाएंगे पालक का साग। पालक का साग भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देख सकते हैं इसी तरह से जो है सारी पालक काट करके। तो देखिए जो है हम साग को काट करके तैयार कर लिए हैं। अब जो है हम साफ पानी में इसे जो है धुल लेती हैं। तो देखिए अच्छी तरह से जो है हम साफ पानी में साग को धुल लेंगे। बाल्टी में जैसे ज़्यादा पानी में अच्छी तरह से जो है साग। तो देखिए दो बार जो है हम साग को अच्छी तरह से साफ पानी में धुल लेंगे और धुलने के बाद जो है कढ़ाई में साग को इस तरह से पानी निकाल करके इस तरह से जो है कढ़ाई में रख लेंगे। और धोने के बाद जो है हम उबालने के लिए रखेंगे। तो देखिए अब जो है हम गैस चला लेते हैं। गैस चलाने के बाद जो है हम कढ़ाई को गैस पे रख देती हैं ताकि साग अच्छी तरह से उबल सके। देखिए अब देख लेती हूँ साग को उबल गया है नहीं। तो देखिए साग जो है अच्छी तरह से उबल गया है और उबलते समय जो है हम साग में नमक डाल देंगे। तो देखिए नमक अपने जो है स्वाद अनुसार लेना है, बस इतना ही नमक डालेंगे। और बस एक मिनट और इसको जो है नमक डाली हूँ अच्छी तरह से जो है साग में मिक्स कर देती हूँ और बस एक मिनट के लिए जो है ढक देती हूँ। तो देखिए साग जो है अच्छी तरह से उबल गया है। अब जो है साग को हम कढ़ाई को जो है गैस पे सुखा लेती हूँ नीचे और साग को जो है हम इस थाली में रख देती हूँ। जला लेती हैं। अब कढ़ाई को जो है रख देती हैं साग में तड़का लगाने के लिए। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देती हैं। तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब जो है पहले तेल में अच्छी तरह से लहसुन की कलियां डाल देती हैं। जो लहसुन की कली होती हैं वो जो है तेल में अच्छी तरह से डाल दी जाती है। अब हरी मिर्च डाल देती हैं और लाल मिर्च डाल देती हैं। इनको जो है अच्छी तरह से इसमें तेल में अच्छी तरह से जो है कर लेंगे। तो देखिए जो है तड़का अच्छी तरह से तेल में तली है और तड़का तलने के बाद जो है हम साग को जो है रख के डाल देते हैं।
आपको अच्छी तरह से तड़का में एक मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद जो है प्लेट को ढक देती हूँ। तो देखिए जो है रोटी बनाने के लिए जो है आटा गूंथ कर भी तैयार कर ली हैं, और इधर जो देख लेती हूँ तब की जो है प्लेट हटा करके, तो साग भी बनकर तैयार हो गया है। तो हमारे यहाँ जिस तरह से गांव देहात में साग बनाया जाता है, तो उस तरह से हम आप लोगों को बना करके बताते हैं और दिखाते हैं। और आप लोगों के यहाँ जिस तरह से साग बनाया जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो साग बना करके हम तैयार कर ली हैं और चावल भी तैयार हो चुके हैं बन करके, देखिए। और अब जो है हम रोटी बना लेती हूँ। तो साग और चावल तैयार हो गए हैं बन करके। अब जो है रोटी बनाने के लिए तावा जो है पहले हम गैस पे रख देती हैं। चावल और तावा भी गर्म हो चुका है, तावा पे रोटी डाल देती हूँ। के बाद पका देती हूँ और रोटी को अच्छी तरह से पका लेती हूँ। जो है रोटी भी सेक कर तैयार कर ली है, तो सारी रोटियां जो है सेक कर तैयार कर ली हैं। तो देख सकते हैं ये है पालक का साग और चावल और रोटी, सारा खाना बनकर तैयार हो गया है। और जो है पालक का साग और चावल और रोटी जो है खाने में बहुत अच्छे स्वादिष्ट लगती हैं। अब जो है हम थाली लगा देती हैं। और आज का वीडियो आप सभी लोगों का अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।